समुद्र तटीय संकरे मैदान। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों, हमें समुद्र तट के जो संकरे मैदान है उसके विषय में बताया गया है। पिछले वीडियो में जो है हमने भारत का पठारी प्रदेश जो है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब यहाँ पे हम समुद्र तटीय जो संकरे मैदान है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के तीन और समुद्र तट आया हुआ है। यह समुद्र तट लगभग 7517 किलोमीटर लंबा है। तो यह जैसे विद्यार्थियों हम सभी जानते हैं कि भारत के तीनों जो है समुद्र तट आया हुआ है, और यह जो समुद्र तट है यह लगभग 7517 किलोमीटर जितना लंबा है। समुद्र तट पर संकरे मैदान आए हुए हैं। इन मैदानों के एक और समुद्र है तो दूसरी ओर दक्षिण का उच्च पठारी प्रदेश है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह समुद्र तट पर जो है संकरे मैदान भी आए हुए हैं। तो इन मैदानों के एक और समुद्र है तथा दूसरी ओर जो है दक्षिण का उच्च पठारी प्रदेश आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें आगे बताया है कि भारत के पूर्व तट पर आया हुआ मैदान पूर्व तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। समुद्र तट मत्स्य उद्योग के लिए प्रख्यात है। इन मैदानों के समुद्र तट पर चेन्नई, पुडुचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहर आए हुए हैं जो भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत के पूर्व तट पर जो है मैदान जो है पूर्व तट के जो मैदान है उन्हें पूर्व तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है, और समुद्र तट जो है वह मत्स्य उद्योग के लिए प्रख्यात है। वहाँ से मछलियाँ वगैरह पकड़ना, तो इस तरह से जो है मत्स्य उद्योग के लिए समुद्र तट जो है वह प्रख्यात है। और इन मैदानों के जो है समुद्र तट पर चेन्नई, पुडुचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जैसे जो है बड़े शहर आए हुए हैं जो कि भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह है। भारत के पश्चिम तट पर आया हुआ मैदान पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। यह मैदान पूर्व तटीय मैदान से संकरा है। इस मैदान में कुछ भाग काली मिट्टी का और कुछ भाग काप की उपजाऊ मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के पश्चिम तट पर जो मैदान आए हुए हैं उसे पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं, और यह मैदान जो है पूर्व तटीय मैदान की अपेक्षा में संकरे है तथा इस मैदान में कुछ भाग जो है काली मिट्टी का और कुछ भाग काप की उपजाऊ मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए यह जो मैदान है यह बहुत उपजाऊ है और यहाँ पे अधिक मात्रा में खेती वगैरह होती है। पश्चिम तटीय मैदान परिवहन और मत्स्य उद्योग के लिए प्रख्यात है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पश्चिम तटीय मैदान जो है वह भी परिवहन, जैसे कि जो है देश विदेशों में यहाँ पे माल सामान का आयात निर्यात होता है, तो परिवहन और मत्स्य उद्योग के लिए जो है यह प्रख्यात है। इस मैदान में कंडला, मुंबई, मैंगलोर, कालीकट और तिरुवनंतपुरम आदि समुद्र तट पर आए हुए बड़े बंदरगाह और प्रख्यात शहर है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस मैदान में जो है कंडला, मुंबई, फिर मैंगलोर, कालीकट और तिरुवनंतपुरम जैसे जो समुद्र तट पर आए हुए बड़े बंदरगाह और बड़े प्रख्यात शहर भी है। तो इस तरह से यहाँ पे विद्यार्थियों जो है हमने समुद्र तटीय मैदान जो है संकरे मैदान उनके विषय में जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ पे हम आगे टापू के विषय में जानेंगे कि टापू अर्थात द्वीप क्या है। चारों ओर पानी से घिरा हुआ भूभाग टापू यानी द्वीप कहलाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ जो भाग है, भूभाग भूमि का जो भाग है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे हम टापू या द्वीप कहते हैं। भारत के पश्चिम की ओर के अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय के टापू द्वीप है। इनका प्रशासनिक केंद्र केवरती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारत के पश्चिम की ओर के अरब सागर में जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के टापू है, और इनका जो प्रशासनिक केंद्र है वह केवरती है। भारत के पूर्व की ओर के बंगाल के खाड़ी में अंडमान और निकोबार के द्वीप टापू आए हुए हैं जिनका प्रशासनिक केंद्र पोर्ट ब्लेयर है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे पश्चिम की ओर के अरब सागर में जो है आए हुए प्रशासन यहाँ पे जो टापू वगैरह है इनका प्रशासनिक केंद्र केवरती है, तो उसी तरह से भारत के पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आए हुए हैं जिनका जो प्रशासनिक केंद्र है वह पोर्ट ब्लेयर है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने द्वीप और टापू के विषय में जाना। अब हम यहाँ पे रेगिस्तान के विषय में जानेंगे। रेगिस्तान
अरावली की पर्वतमाला के पश्चिम में आए हुए राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अरावली की पर्वतमाला के पश्चिम में आए हुए जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वह रेगिस्तानी है। वहाँ पे पूरी तरह से जो है मिट्टी वगैरह है, वहाँ पे पानी हमें देखने को अधिक मात्रा में मिलता नहीं है। तो इस तरह से वह भाग पूरा जो है मिट्टी का है, जिसे रेगिस्तान कहते हैं। उसकी ज़मीन रेतीली है। रेगिस्तान की जलवायु सूखी और विषम है। ज़्यादातर यह वर्षा बहुत ही कम 20 सेंटीमीटर से कम होती है। अतः इस प्रदेश का अधिक हिस्सा सूखा और वीरान है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि रेगिस्तान की ज़मीन जो है वह रेतीली है। वहाँ पे पूर्णतः जो है सब जगह रेती दिखाई देती है। और रेगिस्तान की जो वहाँ की जलवायु है वह सूखी और विषम है। वहाँ पे अधिक मात्रा में बारिश हमें देखने को मिलती नहीं है। वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में 20 सेंटीमीटर से भी कम मात्रा में बारिश होती है। अतः वहाँ पे जो है पूर्णतः यहाँ पे रेती वाला विस्तार है। तो इस वजह से जो है इस प्रदेश का अधिक हिस्सा सूखा और वीरान है, क्योंकि वहाँ पे बारिश या पानी इतना नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ का हिस्सा जो है वह सूखा और वीरान है। पानी और वहाँ पे जो है अधिक मात्रा में जनसंख्या भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की जो है वहाँ पे आवश्यकताएं और पानी की सुविधाएं वगैरह प्राप्त नहीं होती। इसकी वजह से वहाँ पे जनसंख्या भी कम है। पानी की तकलीफ, जीवन उपयोगी चीज़ वस्तुओं का निरंतर कमी के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या बहुत ही कम है। यहाँ खजूर के पेड़ और ऊँटों का कारवा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सबसे पहले पानी की तकलीफ़ है, और पानी के बिना जीवन जो है वह संभव नहीं है। तो पानी की तकलीफ भी, जीवन में उपयोगी चीज़ वस्तु जो है उसकी भी यहाँ पे कमी है। वह सभी वस्तुएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या जो है इन प्रदेशों में बहुत ही कम होती है। और यहाँ पे जो है खजूर के पेड़ तथा ऊँटों जो है उनका कारवा देखने को मिलते है। यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में खजूर के पेड़ वगैरह तथा जो ऊँट चलते हुए दिखाते हैं वैसे यहाँ पे हमें देखने को मिलते है। राजस्थान के उत्तर भाग में रेगिस्तान में सतलज नदी में से इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के कारण रेगिस्तान का उत्तरी हिस्सा हरा भरा बना है, और वहां कृषि का विकास भी काफ़ी प्रमाण में हुआ है। तो यहां पे हमें बताया गया है कि राजस्थान के उत्तर भाग में जो है रेगिस्तान में सतलज नदी है। तो सतलज नदी में से जो है इंदिरा गांधी नहर द्वारा खेती के लिए सिंचाई के द्वारा पानी पहुँचाया जाता है, जिसके कारण रेगिस्तान का जो उत्तरी भाग है वह हिस्सा हरा भरा है। वहाँ पे खेती वगैरह होती है, तो वहाँ कृषि का भी काफ़ी अधिक प्रमाण में विकास हुआ है। कच्छ का रेगिस्तान राजस्थान के रेगिस्तान से भिन्न है। गुजरात में आया हुआ कच्छ का रेगिस्तान एक विशाल क्षारीय प्रदेश है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कच्छ का जो रेगिस्तान प्रदेश है जो गुजरात के सौराष्ट्र में आया हुआ है वह राजस्थान के रेगिस्तान से काफ़ी अलग भिन्न है। गुजरात में आया हुआ कच्छ का रेगिस्तान जो है वह एक क्षारीय प्रदेश है। क्षारीय यानी वहाँ पे जो है वहाँ की मिट्टी पूरी क्षारीय है। यह रेगिस्तान बड़े रेगिस्तान और छोटे रेगिस्तान ऐसे दो हिस्सों में है। यहाँ पर पृथ्वी ने मानो श्वेत चादर ओढ़ ली हो ऐसा संपूर्ण श्वेत क्षेत्र दिखाई देता है। विश्व में इस प्रकार का रेगिस्तान सिर्फ कच्छ में ही है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह जो रेगिस्तान है कच्छ का, यह जैसे रेगिस्तान में यह रेगिस्तान छोटे रेगिस्तान और बड़े रेगिस्तान ऐसे दो हिस्सों में यहाँ पे यह विभाजित है। और यहाँ पर मानो कि यह जो है हमें ऐसा दिखाई देता है रात के समय में कि जैसे पूरी वहाँ पे सफ़ेद चादर हो, तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और ऐसा जो है यह जो चित्र है वह केवल हमें यहाँ पे कच्छ के रेगिस्तान में ही देखने को मिलता है। ऐसा रेगिस्तान जो है वह विश्व के किसी और देश में या किसी भी स्थान पर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमें मानो ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने जो है श्वेत चादर ओढ़ी हो और ऐसा संपूर्ण क्षेत्र दिखाई देता है, और विश्व में केवल कच्छ में ही हमें ऐसा रेगिस्तान दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमारा यह पाठ जो है समाप्त होता है, और यहाँ पे आपको स्वाध्याय दिया गया है जो आपको नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ जानकारी संक्षेप में दी गई है जो यहाँ पे हम जानेंगे। कन्याकुमारी से विषुववृत्त लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। भारत के समुद्र तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत का जो समुद्र तटीय मैदान है उसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्व तट का मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान।
उसके बाद पर्वतों के श्रृंखला के संदर्भ में हिमालय को लघु हिमालय, मध्य अथवा लघु हिमालय और महा यानी बृहद हिमालय ऐसे तीन भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पर्वतों की जो श्रृंखला है उस हिमालय के संदर्भ में जो है यहाँ पे तीन भागों में उसे बांटा गया है। एक तो है लघु हिमालय जो कि सबसे छोटा हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय अथवा लघु हिमालय और तीसरा है महा यानी बृहद हिमालय जो सबसे बड़ा हिमालय है। तो ऐसे तीन भागों में यहाँ पे हिमालय की पर्वत श्रृंखला को बांटा गया है। तो विद्यार्थियों हमारा यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है और इसका स्वाध्याय जो है वह आपको पूरा नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।